ग्वालियर से खबर मिल रही है जहां संपत्ति कर वसूली अधिकारी सहित 5 कर संग्राहक निलंबित कर दिए गए हैं। नगर निगम कमिश्नर ने यह पूरी ही कार्रवाई की है। संपत्ति कर के करीब 50 लाख रुपए लेकर कर्मचारी फरार हो गया है। कर संग्राहकों ने अपनी सुविधा के लिए निजी कर्मचारी को रखा था और अब ये कर्मचारी लाखों रुपए लेकर फरार हो गया है। सुशांत कौरव जो है वो इस निजी कर्मचारी का नाम, और नगर निगम आज सुशांत कौरव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगा। अनिल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ है। अनिल, नगर निगम कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए यहां पे निलंबन की कार्रवाई की है, क्या है पूरा ही मामला? देखिए, ग्वालियर के कर संग्राहक जो हैं उन्होंने एक निजी कर्मचारी को रखा हुआ था और वो सुशांत कौरव नामक जो युवक था वो लगभग 50 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। और उसने जो जब ये बात नगर निगम कमिश्नर के सामने आई तो उन्होंने सबसे पहले जो वसूली अधिकारी और उसके सहित 5 जो कर संग्राहक हैं उनको निलंबित कर दिया। उसके बाद जांच में तथ्य सामने आए और उसमें लगभग 50 लाख रुपए का गबन सामने आया, जिसका आरोप सुकंत कौरव नामक युवक पर लगाया गया और वो फरार है फिलहाल। लेकिन जो कमिश्नर हैं उन्होंने नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की बात कही है, साथ ही जो अब एफआईआर कराई जाएगी और उसके बाद जो आरोपी है उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। जी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।